भी बहुत लोगों से पूछा हॉस्पिटल में भी, सर पूछना पड़ता है ना ये डॉक्टर कैसे है, ये हॉस्पिटल कैसा है। वो लोग बोले आँख बंद करके देवाशीष सर से आप सर्जरी करा सकते हो। तो मैं ठान लिया कि ऑपरेशन कराऊंगा। ऑपरेशन कराए तो अब आपका एंडोस्कोपी से ऑपरेशन हुआ जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर 100 to 100% जिस काम के लिए मैं आया था हाँ। वो तो दर्द बिल्कुल नहीं। जो आपको दर्द हुआ 1.5 साल जिससे आप परेशान होते रहे जी, आपको कितने दिन हो गए ऑपरेशन के लिए? कल ही हुआ ऑपरेशन। कल ऑपरेशन जी। और वो 1.5 साल का दर्द जिससे आप परेशान थे वो कैसा आया? वो बिल्कुल गायब हो गया, यानी कि 90% तो गायब हो गया। 90% 90-95% खुश है मतलब आप? जी सर जी सर, खुश बोले तो खुश खुश है जी। सर्जरी हो रहा था, मैं सर से बात कर रहा था, हम लोग हंसी मजाक कर रहे जगह हुए थे जी जी जगह हुआ दर्द रहे। राम नरेश जी आपको, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी सर सुन पा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सर दिक्कत नहीं हो पा रही है। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है सर। कोई दिक्कत नहीं? जगह हुए हैं? नहीं सर नहीं सर। ठीक है सर। पूरा मैं सर पूरा उंगली हिला रहा हूँ दोनों पैर का। हाँ तो आज हमारे पेशेंट है राम नरेश गुप्ता जी, और राम नरेश गुप्ता जी बिहार से आए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और काम कहाँ पर करते हैं? पुणे में काम करते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा अपनी परिस्थिति के बारे में बताएंगे? सर पिछले 1.5 साल से हाँ को थोड़ा थोड़ा पैर में दर्द हुआ। हाँ मैं लोकल ट्रीटमेंट लिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते गया, फिजियोथेरेपी और बहुत सारा मेडिसिन 1 साल से पूरा करा रहा हूँ। हाँ स्पाइनल डॉक्टर के पास ले गया, वो सब कम से कम 5-6 महीना दवा खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लॉकडाउन लगा, गाँव में आया, गाँव में आया तो मैं गोरखपुर में गया। गोरखपुर में जाने के बाद स्पाइन सर्जन से दिखाया मैं, तो देखते हुए बोले वो MRI को हमारा सब देखे, देखते हुए बोले कि आपका सर्जरी के बगैर काम होने वाला नहीं है, तो सर्जरी गोरखपुर में होने वाला नहीं है, आप आगे जाना सर। तो सर ने आपका वीडियो देखा YouTube पे, तो बहुत लोग यूट्यूब पे, लेकिन जो व्यवहार आपका बात करने का जो वो अपने दिल को छू गया। तो उसके बाद बैठना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। अच्छा अगर 5 मिनट बैठ गया फिर 5 मिनट चल सकता हूँ। कितनी देर बैठना पड़ता है? जितना देर चलता हूँ हाँ उतना देर ही बैठना पड़ता है। अच्छा ज्यादा देर नहीं चल पाता? ज्यादा देर नहीं चल पाता। और एक जगह अगर खड़े रहना पड़े तो? बस वही 5 मिनट से भी कम। 5 मिनट से? 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रहा जी। अच्छा तो आपको जो वो है, आपको जैसे लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो अब जैसे हमने डिसाइड किया है कि आपकी सर्जरी करेंगे, सर्जरी से डर लग रहा है? नहीं सर बिल्कुल डर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। हिम्मत आ रही है? हिम्मत आ रही है सर। मैं देख रहा हूँ ना आपके पास आज सर्जरी हो रहा है, कल लोग जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट मैं सामने सामने की बात है। हाँ हाँ तो अपने और हिम्मत बढ़ गई? और हिम्मत बढ़ गई। अरे क्या बात है, इतना दूर से आते हैं तो डर तो लगता है सर। आपसे जो कंसल्ट हुआ, जब आपको देखे, आपसे हाँ। बात किए, तो पूरा डर 100% खत्म हो गया। अच्छा, और हॉस्पिटल में आने के बाद जो 4 लोग को जो देखे हाँ। कल जो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ वो बोल रहा था हाँ। कि सर के पास पेशेंट भेजिए हाँ। सर जैसा इस एरिया में कोई नहीं है। तो ठीक है, तो कल आपकी सर्जरी करेंगे और उसके बाद आपको फिर से पूछेंगे कि राम नरेश जी आप कैसे हैं। आपका MRI में दिखाता हूँ जरा, तो MRI अगर देखें इनका, तो देखें MRI में इस वाले कट पे अगर देखें तो जो ये नस है इनकी यहाँ पर दब रही है, ये वाली जो नस है दब रही है, ये उनके उल्टे पैर की नस है, ये डिस्क पीछे से बाहर आई और इसने नस को दबा दिया और उल्टे पैर की नस दब रही है, इसलिए वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए ये सारी दिक्कत इनको होती है। ठीक है, अगर एक्सरे में देखें तो ये L4-L5 एरिया है जिसकी नस बाहर निकली हुई है और उल्टी दब रही है, तो यहां से हमें एंडोस्कोपी करनी है। और एंडोस्कोपी की खासियत यह है कि कोई चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे और ये डिस्क बाहर निकल आती है, बड़े आराम से किया जा सकता है।
तो हम राम नरेश जी से बात करेंगे, बात करने के बाद राम नरेश जी को फिर से देख के बताएंगे कि वो कैसे हैं और उनका इलाज कैसा हुआ। धन्यवाद। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। तो राम जी, आपको आपके उल्टे पैर में दर्द है ना? जी सर। सीधा पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो सीधा पैर पहले उठा के दिखा दीजिए हमें। देखिए आराम से उठ रहा है, कोई समस्या नहीं। देखो 90 डिग्री पे आराम से स्ट्रेट लेग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पैर का बिल्कुल ठीक है। अब लेफ्ट पैर उठा के दिखाइए। बस अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा? देखिए उनको दर्द हो रहा है, इससे ज्यादा करने की कोई, दर्द आता है ऐसे करने से? क्योंकि ये पूरी नर्व उनकी दबी हुई है। अब हम EHL करके दिखाएंगे आपको पेशेंट का। आप पैरों को ऊपर खींच कीजिए, कस के जोर लगाइए, कस के जोर लगाइए, जोर लगाइए और जोर लगाइए। आप देखिए इस वाले पैर में रिलेटिवली ताकत कम है, पूरी ताकत से खींच नहीं पा रहा है। नहीं खींच रहा है वाला आपसे पूरा? नहीं ना सर, पूरा खींचा हूं मैं। हाँ, लेकिन पूरी ताकत लग नहीं रही। हाँ हाँ, नीचे दबाइए, ठीक है। अच्छा, ये छू रहा हूँ पता चल रहा है? और ये छू रहा हूँ पता चल रहा है? ठीक है। रामदेश जी, कमर में कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो देखिए कमर में पेशेंट को कोई भी पेन नहीं है, और ये एरिया में कुछ भी दिक्कत? कोई दर्द है इधर? कुछ भी दर्द नहीं। यहाँ नहीं कोई दर्द? नहीं। इधर कोई दर्द? कुछ भी नहीं। तो देखिए पेशेंट को कोई दर्द वैसे नहीं होता है, कोई न्यूराइटिस नहीं है, लेकिन जब पेशेंट चलते हैं तो उनको इस एरिया में पेन आता है। ऐसे करके दिखाइए, ऐसे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है आगे की तरफ। हाँ, 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 ये ना, इसका फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट जो है वो है पॉजिटिव। इसको करके दिखाइए। नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है सर, उठ जाए। क्यूसी, दिस इज अ बिग हर्निएशन। इसको आराम से हम लोग पुल आउट करके निकाल सकते हैं। सामने डिस्क दिखाई दे रही है, इट्स वेरी क्लीन एंड सिंपल। और ये नर्व रूट है जो कि पास में ही है, इसको हम आराम से कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। और ये जो सर्जरी है इसको लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। इसमें ये एंडोस्कोपी में बेहोशी प्रॉपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुन करके काम हो सकता है। और पेशेंट को पेन जो होता है वो टॉलरेबल होता है, इतना पेन नहीं होता कि पेशेंट लेट ना पाए या दर्द रहे। राम नरेश जी, आपको, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी सर, सुन पा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सर दिक्कत नहीं हो पा रही है। कंफर्टेबल है? आराम? कंफर्टेबल है सर, कोई दिक्कत नहीं। जगह हुए हैं? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है सर, पूरा मैं सर पूरा अंगुली हिला रहा हूं दोनों पैर का। हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है तो पेशेंट जगह रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर नर्व के हम पास जाते हैं तो राम नरेश जी बता देते हैं टच करते ही कि कोई जिसमें नर्व का रिस्क होता ही नहीं, 100% जीरो है। थैंक यू। कोई दर्द? कटा है वो नहीं, जो पहले दर्द होता था। कौन सा किस्म है इसको? उठाओ। जो दर्द करता वो नहीं कर रहा है। ठीक, ओके। पहले तो इतना ऊपर नहीं जाता था। नहीं नहीं, 20-25 डिग्री। ठीक है, आराम है? हाँ। क्या तकलीफ होती थी आप? तकलीफ हमको बाएं पैर में 2-3 मिनट चलने के बाद पूरा पेन होता था। खड़ा होने के बाद 2-3 मिनट के बाद पेन होता था। कितने साल परेशान रहे आप? 1.5 साल परेशान रहे? इतना? अच्छा। और मैं रहता हूँ पूना में। पूना में सब तरह के दिखा दीजिए, थेरेपी से लेके एक्सरसाइज मालिश जो जो बताए। तो हमारे पेशेंट 1.5 साल तक जैसा आप देख सकते हैं परेशान रहे। कई इन्होंने कोशिश भी करी कि ठीक हो जाए दर्द, पर फिर आपने को सर्जरी कराने का आपने कैसे डिसीजन लिया? सर्जरी कराने के गोरखपुर में गया हमारे से नजदीक 100 किलोमीटर है। जो मैं इलाज कराया था वो सब पर्ची में लेकर गया हूँ। हाँ, वो सर देख के बोले कि दवा मत कराइए। अच्छा, आप लास्ट अपना सर्जरी। ठीक है, तो हमको एक दो जगह का एड्रेस दिया, लेकिन मैं हर दिन यूट्यूब पर देखता हूँ। हाँ, हर आदमी देखता है। हाँ, उस सर का हमको वीडियो बहुत पसंद है, डॉक्टर देवाशीष का वीडियो। जी सर, जी वाशीष सर का वीडियो पसंद है। तो मैं फ़ोन किया। हाँ, फ़ोन करने के बाद वो मैडम उठाई। हाँ, तो मैडम बोली कि जो भी आपका MRI है, रिपोर्ट है, वो सब व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप किया, दूसरे दिन कॉल आया कि आप एक बार आके यहाँ दिखा लीजिए। तो मंगलवार को हमको यानी कि 15 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला था। 15 तारीख को आया तो सर दोबारा हमारा बोले कि 10 महीने पहले का आपका MRI है, दोबारा MRI और एक्स्ट्रा निकाली। दोबारा MRI एक्स्ट्रा निकाल के लाया तो सर बोले कि नस आपका दिखाई नहीं दे रहा, अगर ऐसे कुछ दिन तक और रहा तो आपका मैसेज हो जाएगा। तो मैं भी बहुत लोगों से पूछा हॉस्पिटल में भी,
सर पूछना पड़ता है ना ये डॉक्टर कैसे हैं, ये हॉस्पिटल कैसा है, वो लोग बोले कि आँख बंद करके दवा से सर्जरी करा सकते हैं। तो मैं ठान लिया कि ऑपरेशन कराऊंगा। ऑपरेशन कराया तो अब आपका एंडोस्कोपी से ऑपरेशन हुआ जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर 100% जिस काम के लिए मैं आया था वो तो दर्द बिल्कुल नहीं। जो आपको दर्द हुआ 1.5 साल जिससे आप परेशान होते रहे, आपको कितने दिन हो गए ऑपरेशन के लिए? कल ही हुआ, कल ऑपरेशन जी। और वो 1.5 साल का दर्द जिससे आप परेशान थे वो कैसा आया? वो बिल्कुल गायब हो गया, यानी कि 90% खुश है मतलब आप? जी सर खुश बोले तो खुश है जी। सर्जरी हो रहा था, मैं सर से बात कर रहा था, हम लोग हंसी मजाक कर जगे हुए थे जी जगह हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल एंडोस्कोपी की टेक्निक है, जो जर्मन टेक्निक से ऑपरेट करते हैं, उसमें पेशेंट जगा रहता है और बात करता है, उसमें बेहोश नहीं किया जाता पेशेंट को, वो ओरिजिनल टेक्निक है। और इसमें आराम से इनको हमने कोई वॉकर नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं बोला कि आप चलिए नहीं, आराम से चल पा रहे हो? जी सर अभी चल के आया। और खुश हैं आराम से? कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ कहना चाहते हो आप इन लोगों से जो डरते हैं इलाज कराने से? सर मैं बहुत लोगों को एडवाइस दूंगा अभी, अभी भाई लोगों के अभी हमारे एक दोस्त है अभी संजय करके, उनको भेजने वाले हैं हफ्ते 1.5 हफ्ता। कई लोग डरते हैं कि इसमें पैर मारे जाते हैं सर, लेकिन पहले का जो था टेक्निक बढ़ गया है, पहले ऐसा होता था, मैं सब सुना कि लेग पैर काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस हो गया, तो स्पाइन सर्जरी का डर से रूह काम करते हैं। लेकिन सर अभी सर से जो बात हुआ जिस टेक्निक से सर करते हैं हाय, माय नेम इज डॉक्टर देवशी शर्मा एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन। कई सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो रेडिकुलर पेन के साथ आते हैं, और स्पाइन की प्रॉब्लम्स के अलावा कई सारे और भी इश्यूज हैं जिनको हमें टैकल करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे एक पेशेंट पुणे से आए थे, और जब वो आए तो उनका हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट हो रखा था। ऐसे केसेस में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उनके और प्रोटोकॉल्स को भी देखें, ये भी देखें कि उनको किस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं। जिन पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनको ब्लड थिनर्स चल रहे थे, ब्लड थिनर्स को हमें बंद करना पड़ा सर्जरी के लिए, और 1.5 साल से वो बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान थे। और जब वो ब्लड थिनर्स को बंद किया, उसके बाद जब उनका ब्लड नॉर्मल हो गया, उसके बाद उनकी एंडोस्कोपी संभव हो पाई, और लेफ्ट लेग में उनको बहुत सीवियर पेन था, और स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट उनका नहीं हो पा रहा था। स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट एक अच्छा इंडिकेटर है ये पता लगाने के लिए कि आपको कितनी दिक्कत है। जब स्ट्रेट रेजिंग टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। उन्होंने पहले फिजियोथेरेपी ली, दवाइयाँ ली, कई तरह के इलाज उन्होंने करवाए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं आया। और जब उनको किसी भी तरह रिलीफ नहीं आया, उसके बाद उन्होंने हमारे बारे में पता लगाया और वो हमसे मिलने आए, और हमने उनके MRI को देख के उनको बताया कि एंडोस्कोपी एक इसका बड़ा अच्छा इलाज है, ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब उनकी एंडोस्कोपी की गई तो इंस्टेंटली उनको पेन रिलीफ आ गया, वो चलने लगे, पेन फ्री हो गए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी एक कारगर तकनीक है। आप ज़रूरी नहीं आप ओपन सर्जरी की तरफ जाएं, एंडोस्कोपी के माध्यम से बिना चीरफाड़ करे, बिना टांका लगाए, बिना बेहोशी दिए, बिना ब्लड लॉस करे इस आपका इलाज संभव है। और आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए, आपकी परेशानी को समझने के लिए, और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।